छोड़ो, क्यों मारे उसको? ये मेरी घड़ी उड़ा के भाग रहा था। अरे घड़ी तो मैंने आपकी लौटा दी, को तो घंटा घर ला के दे दूं। जाने दीजिए साहब, मैं जानता हूँ बहुत शरीफ आदमी है, अब गलती किसे नहीं हो जाती। प्लीज जाने दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज जाइए जाइए। अब ये धंधा भी शुरू कर दिया यार, बड़े घाटे का धंधा है। अगर मैं 10 की चीज मारता हूँ तो उसे लौटाने के लिए कभी कभी अपनी जेब से 20 रुपए भी निकालने पड़ते हैं। जब चीज लौटानी पड़ती है तो चोरी क्यों करते हो? भाई मेरे बस की बात नहीं, ना मैं चोर हूँ ना चोर का भाई, ना जाने बीमारी मुझे कहाँ से लग गई, और कभी कभी तो दौरा पड़ने पर किसी और की जेब ना मिले तो अपनी खुद की जेब काट लेता हूँ। क्लेप्टोमेनिया। मिस्टर सूद, आपकी बीमारी मेरी समझ में आ गई, मगर इसका इलाज चिंता नहीं, एक लड़की है। लड़की? लड़की? हाँ, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। जब कोई लड़की आपके हाथ में आ जाएगी तो ये हाथ सफाई का रोग अपने आप जाता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने मुझे नुस्खा तो बता दिया है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? ओह मिस्टर सो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, क्या एक भी लड़की आपको नहीं मिलेगी आपका दिल लगाने के लिए? लड़कियां तो रोज ही मिलती हैं, लेकिन मैं दिल कैसे लगाऊं? सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन प्लीज। देखिए, जब कोई लड़की आपके सामने से गुजरे, उसे देखकर आपका दिल धड़कने लगे, कलेजा फटने लगे और कानों में कुछ घंटियां सी बजने लगे तो समझो दिल लग गया। डॉक्टर, थैंक यू, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। डॉक्टर, मुझे संभालिए, मेरे कानों में घंटियां बजने लगी। मिस्टर सूद, शी इज माय फ्रेंड्स वाइफ। ओहो, नमस्ते माय फ्रेंड्स वाइफ। ओह सॉरी डॉक्टर, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे कोई और घंटी मिल जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मिस्टर। हाँ जी। मेरा सिगरेट केस। ओह, अरे ये मेरी जेब में कहां से आ गया? टेबल के ऊपर से। थैंक यू। पिताजी। हाँ बेटी। नमस्ते अंकल जी। पिताजी, वो 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए क्यों? पिताजी मैं पिक्चर जा रही हूँ। देखो बेटी, ये तुम्हारा पिक्चर विक्चर देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, आप जानते हैं यहाँ कौन सी पिक्चर लगी हुई है? कौन सी? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, वेरी गुड। आखिर तुम सूर्य वंश की सुपुत्री हो बेटी, ऐसी ही पिक्चरें देखा करो। महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौर, वीर दुर्गादास। पिताजी, मेरे 10 रुपए। हाँ बेटी, 10 रुपए सारे। थैंक यू, बाय बाय। वाह 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 वाह, घंटियां बजने लगी, दिल धड़कने लगे, कलेजे फड़कने लगे। मैंने कहा बादशाहो। मैंने बुलाया जी। आहो जी। की काम में जी? एक बात आपसे पूछिए कि ना जी। हाँ जी। तुसी बड़े चंगे लगते हो, की है थोड़ा ना जी? ना जी। हाँ जी। कान विच दसंगी, पिछे मेरी माँ जी। वाह 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 वाह, साधु राम सूद ने जमाना देखा है, मगर ऐसा झापड़ लगाना नहीं देखा। वाह, घंटिया, वाह रे गधे, मुझसे तो तेरी किस्मत अच्छी है जो अपनी मिसेस को साथ लिए घंटियां बजा रहे हो। अरे मुझे नहीं, उस चोर को, मेरा पर्स चुराया जा रहा है, पकड़ो। यही है ना आपका पर्स? हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? अजी पर्स ही क्या, अगर वो आपका दिल भी चुरा के भागता तो भी मैं छीन लेता। कितने अच्छे हैं आप, जानते हैं इसमें मेरी एक अंगूठी है जिसमें हीरे का नगीना है। अब तो आप खुश है ना? बहुत। कहिए, इसके बदले में मैं आपकी क्या सेवा करूँ? करोगी? कहो भी। तुम हीरे का नगीना, मेरे दिल की अंगूठी में फिट हो जाओ। सुनिए, मेरे कानों में 1 घंटे से घंटियां बज रही हैं, क्या आपके कानों में नहीं बज रही? घंटियां बज तो रही है, लेकिन कुछ कुछ। मुझे साधु राम सूद कहते हैं। और मुझे संगीता। संगीता और सूद, वाह वाह वाह, हमारी तो राशियां मिल गई, दिल मिल गए, संजोग भी मिले समझो। इसी खुशी में मुझसे हाथ मिलाओ। देखिए, मेरी सहेली आ रही है। अच्छा, तो फिर कब मिलोगी मुझसे? कल। कहाँ? यही, इसी वक्त। पक्का? अच्छा, मैं चलूं? सुनो, मुझे कोई निशानी तो देती जाओ।
बीच में बोलने वाले? डार्लिंग तुम प्यार करो जी और तुम चलते बनो जी। ए, मिस्टर जाने को तो मैं चला जाऊं लेकिन यार तेरी मर्दान की पे रश आता है, एक से एक बढ़ के लड़की तुम पर फिदा है। कौन सी चक्की काटा खाते हो? देवानंद का मुखड़ा, शम्मी कपूर का स्टाइल और तारा सिंह के मसल्स। शम्मी यहाँ की हाथ लगाते हुए कमाल हो यार, मर्द बच्चा होकर हाथ लगाने से शर्माते हो? मेरा तो जी चाहता है तुम्हारे जैसे बैंक के नौजवान को सीने से लगा लो। अजीब आदमी हो तुम। कुछ भी हो गुरु, मुझे अपना शिष्य बना लो। तुम गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ पारा नहीं, केवल एक सुंदरी चाहिए, चाहिए। सिखा दो वो काबूकरण मंत्र जिससे मैं सुंदरी को अपने काबू में कर सकूं और मेरा कल्याण हो जाए। कर दो ना बेचारे का कल्याण, दे दो ना इसे गुरु मंत्र। दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ जरूर, तुम भी क्या याद करोगे, चलो वहाँ पर। धन हो गुरु, धन हो। लड़कियाँ चलो। बहुत खूब, अब आंख बंद करके कान खोल कर गुरु मंत्र सुनो। आंख बंद, हाँ कान खुले। वो मंत्र ये है कि तुम जैसे शर्म प्रूफ आदमी को पानी में डूब मरना। अरे ये तो सचमुच डूब गया, अब क्या होगा? कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, खड़ी मुंह क्या देख रही हो? भगवान के लिए कुछ करो ना, उसे बचाओ ना। आरती इसके मुंह पे मुरक के सांस दो, हो सकता है बेचारा बच जाए। मुंह क्या देखती हो, आओ जल्दी आओ ना, जल्दी करो आरती, शायद मैं बच जाऊं। अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, दगाबाज कहीं का। अरे भी जी झूठा लोफर। गुरुजी चेले को संकट में छोड़कर मत जाइए। आरती देखो, भगवान ने हमें पूरे दो दफा मिलाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब उस बेचारे को और बोर करना ठीक नहीं लगता। अपनी मंजिल की तरफ खुद भी तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। कैसी मंजिल? चवां दिलों की मंजिल तो एक ही होती है। सुनो इस इतवार को शाम के 5 बजे समुन्द्र के किनारे में तुम्हारी राह देखूंगा, आओगी ना? राह देखते रहना, मैं नहीं आऊंगी। ना सही, ऊपर वाले पर विश्वास रखता हूँ, जिसने लाइफ दी है वाइफ भी जरूर देगा, और मुझे यकीन है तुम जरूर आओ। आ जाना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई सब लोग चलो पीछे पता चलो। चलो, 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 चलो। अरे मुझसे जल्दी करो ना, कितना सामान पड़ा, जल्दी करो। चरण सिंह की बधाई हो जयशंकर बाबू। राम राम पंडित जी। आप यहाँ हर साल अपना जन्मदिन मनाकर गरीबों को दान पुण्य करते हैं, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। उनकी तबीयत जरा खराब है। अच्छा अच्छा, पूजा की सामग्री कहाँ है? ये रही पंडित जी। लाइए लाइए, आइए आप सब। चलिए मैं सामान रखवा के भी आता हूँ। अरे मिठाई तो ढाक के रखो तुम। अरे मुंशी चलो पानी लेकर जल्दी, और सीता तुम। ये सब मैं संभालूंगी, तुम जाओ और पूजा करके आओ। अरे ये फूलों की थाली कहाँ है? ये फूल तो यही रह गए, इन्हें भी ले जाओ। जो आज्ञा देवी। आज्ञा राम जी, जल्दी जल्दी जाइए, आप फटाफट आइए। अच्छा अगर मैं फटाफट जाऊं और जल्दी हो जाइए। अभी फूल बेकार हो गए, इंसान के पैरों में गिरे हुए फूल भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं रहते। सही, लेकिन ये फूल बेकार नहीं गए, बुजुर्ग भी तो पूजा के योग्य होते हैं।
बताना क्या दुख? दुख? मुझे पागल की दुख भरी कहानी सुनकर क्या करोगे? अच्छा, रहने दो। देखो आज मेरा जन्मदिन है, सब लोग खाना खा रहे हैं। चलो तुम भी खाना खा लो। आज के दिन निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। क्यों? ऐसी क्या बात है? परसों पहले आज के दिन इसी मंदिर में किस्मत ने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। ऐसा ना हो कहीं सास की डोरी टूट जाए, मंगता नहीं था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मेरा मन कहता है तुम्हारा बेटा जरूर मिल जाएगा। उसे बिछड़े तो बहुत साल हो गए ना, तो काफी बड़ा हो गया होगा, कैसे पहचानोगी उसे? बिछड़ों का मिलाप कराने वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। बेटा, तुमने मेरी आस बंधाई है, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। अच्छा तो चलो थोड़ा थोड़ा सा खा लेते। नहीं, तुम जाओ।